हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी जोन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आपको पीछे के भी टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए कौन सा क्या क्वेश्चन क्या बोलता है। आंसर द फॉलोइंग यूजिंग स्प्रेडशीट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसको आप देख लीजिए, फिर ये भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी अगेन 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। नेम आंसर द फॉलोइंग स्प्रेडशीट। वहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने सारे कॉलम्स दिए अप टू आई एंड वहाँ पर 6 रोज दिए हुए हैं। करना क्या, वो नीचे दिया हुआ देखिए, फॉर द अबव स्प्रेडशीट राइट द स्टेप टू ऑब्टेन द एवरेज इन द रिजल्ट एंड द रिजल्ट विच इज पास व्हेन दिस एवरेज इज 50 और मोर अदरवाइज फेल। यानी आपको क्या कहा, फाइंड करना है H1 H2 में एवरेज फाइंड करना है एंड I2 पे आपको रिजल्ट फाइंड करना है। और रिजल्ट के लिए कंडीशन क्या बोलता है, और रिजल्ट विच इज पास व्हेन दिस एवरेज इज 50 और मोर अदरवाइज फेल। अगर आपका एवरेज 50 या उससे ज़्यादा होगा तो पास होगा, अदरवाइज फेल कर दिया जाएगा। सी यहाँ पर भी प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या, आपका एवरेज ऑफ मार्क्स शुड बी 50% और ग्रेटर देन 50%, राइट। यानी कि 50 या उससे ज़्यादा है अगर आपका एवरेज ऑफ मार्क्स तो आपको ट्रू वैल्यू दिया, पास करार दिए जाओगे, अदरवाइज आप फेल कर दोगे, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, एवरेज। एवरेज एवरेज कैसे फाइंड होगा, सेम स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। पहले सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट सेल, कौन सा सेल आपको सिलेक्ट करना है एवरेज के लिए, एच। H1 में तो आपको हेडिंग दिख रहा होगा, वहां पर एवरेज लिखा हुआ, इसलिए H2। फिर आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप लिखोगे एंटर दी फॉर्मूला एस। थर्ड स्टेप पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला दैट इज स्टार्ट विद द इक्वल्स टू। हाँ, एवरेज के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको लिखना होगा एवरेज पूरा। और यहां पर देखिए एवरेज जो निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, फर्स्ट स्टूडेंट का नाम क्या, खान। उस वहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ B1 C1 D1 E1 एंड F एंड G। जी तक क्या दिए हुए सब्जेक्ट्स दिए हुए, अलग अलग इंग्लिश हिंदी इको बीके अकाउंट्स एंड टैक्स, राइट। सो खान का एवरेज इन सारे सब्जेक्ट का निकलेगा। यानी कि खान का जो पहला सब्जेक्ट दिया हुआ वो कहाँ पर दिया हुआ है, B2। उसके बाद मैं यूज करूंगा रेंज ऑपरेटर, राइट। एंड लास्ट सेल में कौन सा मार्क्स दिया हुआ है, टैक्स का, दैट इज G2। यानी कि B2 टू G2 जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एवरेज निकालो, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और चौथे स्टेप पर सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स फाइंड आउट करना है अप टू कपूर, यानी कि वो कौन सा रो है, रो नंबर 6। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ड्रैग सेल H2 अप टू H6 बाय यूजिंग फिल हैंडल। गाइज यहाँ पर आपके 4 मार्क्स फिक्स हो गए। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप रिजल्ट, नंबर 1 स्टेप देखिए, रिजल्ट कहां पर फाइंड करने बोला, आई में, राइट। सो सिलेक्ट सेल I2, सेकेंड स्टेप पर लिखोगे एंटर दी फॉर्मूला एस। थर्ड स्टेप पर आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल्स टू। देखिए यहां पर फॉर्मूला लिखने के पहले वहां पर एक कंडीशन है कि अगर आपका एवरेज मार्क्स फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 है, यानी 50 या उससे ज्यादा है, तो आपको क्या करना है ट्रू पार्ट में, ये आपका कंडीशन हो गया, राइट। और उसके बाद आपको दिया हुआ है ट्रू पार्ट, ट्रू पार्ट क्या दिया हुआ है, पास। और उसके बाद आपको दिया हुआ फॉल्स पार्ट, दैट इज फेल। तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। आप सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ, क्यों इफ, बिकॉज कंडीशन है, अगर 50 या उससे ज्यादा हुआ तो पास, नहीं तो अदरवाइज फेल, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, इफ। और एवरेज ऑफ मार्क्स मैंने कहां पर फाइंड किया, H2 में फाइंड किया, राइट। सो H2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, देन रिजल्ट विल बी पास, अदरवाइज फेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
सी यहाँ पर एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, जब भी आप कोई टेक्स्ट एंट्री करोगे फॉर्मूले में तो इट शुड बी रिटन इन दी डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। एंड फोर्थ स्टेप आप इसी तरह से लिखोगे ड्रैग सेल आई टू अप टू लास्ट सेल क्या है आई सिक्स बाय यूजिंग फिल हैंडल एंड उसके बाद एक नोट, सारे आंसर फिनिश होने के बाद नोट लिखोगे आप साइन इंडिकेट्स एंटर की, नाउ यू विल गेट 8 marks 4 and 4। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक कंडीशन, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट दिया होगा क्वेश्चन में तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। फर्दर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सी उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप स्टॉप करके पॉज करके आप यहां पर एक बार फिर से देख सकते हैं और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। और वैसे आप अगर टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम पर स्टडी जोन चैनल सिलेक्ट करते हैं तो सारे आंसर्स भी मैं वहां पर भेज दिया करूंगा रेगुलरली आफ्टर द लेक्चर। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट शोइंग द बेसिक सैलरी ऑफ 4 persons, 4 persons की बेसिक सैलरी दी हुई है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक वहां पर दिया हुआ है, लेट सी रुकते हैं वहां पर। फाइंड क्या करना है, सी टू में एच आर ए, डी टू में डी ए और ई टू में टैक्स। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वहां पर दिखकर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द नोट्स, प्रिंट द नोट्स एंड देन उसके बाद बैठिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, राइट स्टेप्स टू कंप्यूट द फॉलोइंग। एच आर ए जो फाइंड करना है उसको कैसे फाइंड करना है, ये बोलता है एच आर ए इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी वेन एवर द बेसिक सैलरी इज 10,000 और लेस अदरवाइज 35% ऑफ बेसिक सैलरी। यानी फिर से यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 या उससे कम है तो आपको एच आर ए मिलेगा 25%, नहीं तो आपको एच आर ए मिलेगा 35%। एक कंडीशन, एक ट्रू पार्ट और अदरवाइज के बाद का फॉल्स पार्ट। देखिए डी ए कैसे फाइंड करने बोलता है, डी ए एज 110% ऑफ बेसिक सैलरी और ₹2,000 विच एवर इज लेस। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर बोलता है डी ए आप ले लो 110% और उसको कंपेयर करो ₹20,000 के साथ, जो भी कम वाला अमाउंट होगा, जो भी लेस होगा उसको आप डी ए ले लो। नेक्स्ट टैक्स कैसे बोलता है, टैक्स एज 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, यानी बेसिक सैलरी का डीए का और एचआरए का प्लस करो और जो भी अमाउंट आता है उसका 20% आपको क्या लेना है, टैक्स। सो सॉल्व करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सी सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा एचआरए, एच आर ए, आप वो स्टेप्स लिख लेना। स्टेप नंबर 1, 2 and 3 स्टेप पर जो आता है एच आर ए का वो आता है आपका फॉर्मूला। स्टेप नंबर 1 आप लिख लीजिए सिलेक्ट सेल, एच आर ए का अपन फाइल करना है C2, सिलेक्ट सेल C2, एंटर द फॉर्मूला एस, थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या बोलता है, एच आर ए इज 25% ऑफ बेसिक सैलरी व्हेनेवर द बेसिक सैलरी इज 10,000 और लेस। मतलब अगर आपका बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी देखिए कहाँ पर दिया हुआ है B2, इफ B2 इज लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू 10,000 देन आपको कितना लेना है एच आर ए, 25% ऑफ बेसिक सैलरी। अगेन क्या करना है आपको, B2 का 25% लेना है, अदरवाइज 35% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, B2 इंटू 35 डिवाइड बाय 100, एंटर। एंड फोर्थ स्टेप आपको पता है गाइस, फोर्थ स्टेप पे आपको क्या लिखना है, ड्रैग सेल कहां पर फाइंड किया था, C2 में, ड्रैग सेल C2 अप टू लास्ट सेल नंबर क्या है 5 अप टू C5 बाय यूजिंग फिल हैंडल। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूंगा DA, टू फाइंड DA सी सेल 1, 2 and 3 नंबर पर आपका क्या आता है फॉर्मूला। सो मैं गाइस सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, आप स्टेप्स लिख लेना। सी मैं फिर से बता देता हूँ, डीए के लिए सिलेक्ट करेंगे सेल नंबर D2, सिलेक्ट सेल D2, एंटर द फॉर्मूला। और फॉर्मूले में क्या बोलता है, डीए एज 110% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी के बेसिक सैलरी जो भी आएगी आपकी B2 में
उसका कितना लेना, 110% मीन्स वॉट, डिवाइड बाय 100, और इसको कंपेयर कीजिए रुपीज 20,000 से, ये हो गया रुपीज 20,000, राइट। और इसमें से जो भी सैलरी आप, जो भी अमाउंट कम आएगा, फॉर एग्जाम्पल B2 में, मेरे B2 में अज्यूम करो कि 1 लाख रुपीज़ है, कितना है 1 लाख, 1 लाख इंटू 110% कितना हो जाएगा 1,10,000, तो यहाँ पर क्या आएगा 1,10,000 कंपेयर विथ 20,000, जो भी मिनिमम आएगा वो आपको क्या मिलेगा DA। सो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मीन। लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, वरना लास्ट सेमेस्टर में ये क्लियर हो गया होता। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि मिनिमम ऑफ बेसिक सैलरी का 110% कंपेयर विद द रुपीज 20,000 विच एवर इज मिनिमम इज कंसिडर एज DA। एंड देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड वन, टैक्स। फर्स्ट स्टेप लिख लेना गाइज, ड्रैग सेल D2 अप टू D5 बाई यूजिंग फिल हैंडल। एंड लास्ट वन इज फॉर टैक्स, सिलेक्ट सेल, टैक्स कहां पर फाइंड करना, E2। एंटर द फॉर्मूला। थर्ड स्टेप पर गाइज फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल्स टू, डोंट फॉरगेट टू राइट इक्वल्स टू, अगर आप इक्वल्स टू भूल जाते हो तो आपका फॉर्मूला फॉर्मूला मोड पर ही नहीं जाएगा। सो क्या लिखेंगे वहाँ, टैक्स इज 20% ऑफ बेसिक प्लस DA प्लस HRA। देखिए बेसिक कहाँ पर दिया हुआ, वहाँ पर B2 प्लस C2 में HRA है एंड D2 में DA है, इसका कितना लेना हमको 20%, 20 डिवाइड बाय 100, यू कैन राइट लाइक दिस, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, और इज इक्वल टू सम B2 रेंज ऑपरेटर D2, यानी इसमें C2 भी आ गया और B2 टू D2 जाओ सम करो, और उसके बाद जो भी टोटल निकलेगा उसका कितना निकालना है आपको 20%, 20 डिवाइड बाय 100, राइट। ये बन गया आपका फॉर्मूला, और जो आपने 1, 2, 3 ये 3 एंटर की साइन किया, उसके लिए आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा नोट, दैट इज साइन इंडिकेट्स एंटर की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन देखा उसके अंदर आपको दिखा था कि वर्कशीट, एक्सेल शीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट और स्प्रेडशीट बनी हुई थी, लेकिन अब वो बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। खुद के रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको वर्कशीट बनानी है, जिसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बट वो वर्कशीट आपके रेफरेंस के लिए बनानी है, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। देखते हैं वैसे भी क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में दिख जाएगा। देखिए कैलकुलेट रिजल्ट्स इन कॉलम डी, वहाँ पर क्या बोलता है, रिजल्ट्स कैलकुलेट करो कॉलम डी में। स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड एज पास इफ ही गेट्स 40 और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और स्टूडेंट डिक्लेयर्ड होगा पास जब उसको 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स ईच सब्जेक्ट में मिलेगा, टर्म ईच अंडरलाइन कर लीजिए उधर पे, राइट। अदरवाइज ही इज डिक्लेयर्ड एज फेल, अदरवाइज उसको फेल कर दिया जाएगा। आगे बोलता है नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज टाइप्ड इन सेल A2 टू A51, यानी कि नेम कहाँ पर आएगा स्टूडेंट का, A2 टू A51, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, मतलब 50। देर आर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट आर टाइप इन सेल B2 टू C51, यानी A, B, C and D, ये 4 कॉलम्स आने वाले हैं। सी आप 51 सेल्स मतलब 51 रोज मत बनाना, वरना आप 51 रोज बनाते बैठोगे, इसका कोई मार्क्स आपको मिलना नहीं है, राइट। सो एक रफ वर्कशीट इसलिए है ताकि मुझे रेफरेंस आसानी से मिले, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर में रेफरेंस यूज करता हूँ, राइट। सो A, B, C and D, राइट, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड डॉट डॉट एंड 51, यहाँ तक 51 तक बोला उसने। आगे देखिए क्या बोलता है, डी में मुझे क्या फाइंड करना है, रिजल्ट, यानी यहाँ पर क्या आएगा मेरा रिजल्ट। फिर इसके बाद A2 टू A51 में, यानी A2 टू A51 में नाम आएगा, यानी A1 में मैं लिखूंगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ से नाम आना शुरू होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज अतीक, मैं यहाँ पर आ गया एंड लास्ट स्टूडेंट विल बी एनीवन, राज, राइट। B2 टू C51 क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट दे हुए यहाँ पर मार्क्स दे हुआ 93 एंड 87, 94 एंड 95,
ये मैंने अज्यूम किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैंने अज्यूम किया आपको काम किस चीज़ से, सिर्फ ये रेफरेंस और इस रेफरेंस से। सी, सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, टू फाइंडिंग रिजल्ट, रिजल्ट कैसे आएगा, सबसे पहला आप क्या लिखोगे, आप सिलेक्ट सेल डी टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट सेल डी टू, एंटर दी फॉर्मूला एज, थर्ड स्टेप पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ऑलवेज फॉर्मूला बिगिंस विथ इक्वल्स टू। सी, इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हम लोग ने, उस क्वेश्चंस में हम लोगों को एक कॉमन चीज़ दिखी थी कि एक कंडीशन था, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट। यहाँ पर देखिए, एक फॉल्स ट्रू पार्ट तो है पास, और एक फॉल्स पार्ट भी है फेल, लेकिन कंडीशन देखिए कितनी है यहाँ पर, ईच सब्जेक्ट मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने दिए हुए हैं, दो, यानी यहाँ पर कंडीशन कितनी हो जाएगी, दो। अगर स्टूडेंट को सब्जेक्ट वन में 40 और उससे ज़्यादा मिलता है और सब्जेक्ट टू में 40 और उससे ज़्यादा मिलता है तो पास, अदरवाइज फेल हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं सिर्फ इफ नहीं लिखूंगा, मुझे इफ के साथ दो चीज़ें लिखनी हो सकती हैं, या तो मैं एंड लिखूंगा या तो और। इसको हम लोग इफ यूज़ किया, एंड कंडीशन कितनी है वहाँ पर, सब्जेक्ट वन कहाँ पर है, बी टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40 कॉमा, यहाँ पर आपको लिखना होगा एंड सी टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट में 40+ होगा मार्क्स, या मिनिमम 40 होगा, तो ही आपका रिजल्ट क्या बनेगा, पास, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फेल। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या लिखोगे, ड्रैग सेल डी टू अप टू डी, लास्ट सेल क्या है, 51 बाय यूजिंग फिल हैंडल। सो आपको समझ में आ गया मैंने रफ वर्कशीट क्यों बनाया था, इस रफ वर्कशीट का मार्क्स नहीं मिलता है आपको, लेकिन अगर मैं वो नहीं बनाता तो B2, C2 और यहाँ पर D51, D2, ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे फॉर्मूले के लिए सबसे वेरी 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 एसेंशियल और इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो मैं नहीं लिख पाता, राइट। सो यहाँ पर एंड लिखा, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जब भी आपको रिजल्ट आएगा कि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए होंगे और सारे सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए तो ही पास बनेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एंड। कभी कभी एंड की जगह आपको और लिखना होता है, बट होगा क्या, अभी आपने एंड लिखा, सपोज ये मार्क्स जो है, ये फार्मूला काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करता है, ये देख लीजिए। ये फार्मूला सबसे पहले जाएगा इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, चेक करेगा 40 B2 में 40 से ज़्यादा है क्या, हाँ B2 में 40 से ज़्यादा है, राइट। वो पीछे आकर चेक करेगा एंड है या और है, अगर यहाँ पर एंड लिखा हुआ है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को भी चेक करेगा और यहाँ जाकर चेक करेगा C2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, यस C2 में भी ग्रेटर देन 40 है, और दोनों ही जगह अगर ग्रेटर देन 40 है तो क्या करेगा, वो ये ट्रू पार्ट को आंसर में प्रिंट करेगा, अगर एक जगह भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फॉल्स पार्ट करता। यानी हम लोग एंड कब यूज़ करते हैं, या एंड का यूज़ करते हैं तो होता क्या है, इफ़ ऑल दी कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स पार्ट ऑफ द आंसर। सपोज यहाँ पर एंड या तो और लिखना होगा, मैंने सपोज यहाँ पर और लिख दिया, जबकि ये गलत है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और लिखूंगा, क्यों रॉन्ग होगा आप समझ लो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ B2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, है ना यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, यस। सो और का मतलब क्या, इफ़ एनी कंडीशन इज ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो एक कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, ये डायरेक्ट क्या कर देगा, पास कर देगा, भले ही यहाँ पर जीरो मार्क्स हो। समझ में आ गई बात, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, एंड। इज इट क्लियर फॉर everyone? सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, एंड लास्ट में आपको लिखना होगा एक नोट, नोट में क्या लिखना होगा, साइन इंडिकेट्स एंटर की। और एक चीज़, काफ़ी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे कि अगर मैं ये नोट्स नहीं लिखूँ तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, लेकिन इस साइन की जगह आपको लिखना पड़ेगा प्रेस एंटर की, या तो आप यहाँ पर लिखते जाइए प्रेस एंटर की, या तो साइन बनाकर यहाँ पर साइन लिख दीजिए कि साइन इंडिकेट्स एंटर की, दोनों ही सेम है, मार्क्स फेच होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। सो
आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है मुझे, बट प्लीज़ एक बार फिर बोल रहा हूँ, द स्टडी जोन चैनल ऑन दी टेलीग्राम, आप उसको डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम को और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे और कुछ कोई भी अपडेट होगा मैं वहाँ पर अपडेट कर दूंगा लेक्चर आने के पहले, या लेक्चर का लिंक भी अपडेट कर दिया करूँगा। और भी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे इकोनॉमिक्स की नोट्स वगैरह हैं, MHRM की नोट्स वगैरह हैं, जो मेरे पास मेरी बनाई हुई नोट्स हैं, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर मेरी बनाई इन द सेंस मैंने जहाँ जहाँ से कलेक्ट कर बनाया है, सो वो सारी नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि शेयर करने जैसा है तो, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक क्यों कर रहे हैं वो ज़रूर बताना ताकि मैं कुछ भी जो कमी है चैनल के अंदर या कोई भी लेक्चर के ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द लेक्चर में उसको रेक्टिफाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।